जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ खालिद जावेद एंड आई एम क्रिएटिंग दिस कोर्स फॉर अब्दुल वली भाई। सो आज का क्लास हमारा होगा कि हम प्रोडक्ट फाइंड किस तरह करेंगे। अभी तक हमने डिस्कस किया था हंटिंग क्राइटेरिया, उस अब हम उस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। सबसे पहले कुछ टेक्निक्स है जिसको हम प्रोडक्ट हंटिंग टेक्निक्स, देर आर अनलिमिटेड टेक्निक्स जिसके थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, लेकिन जो टेक्निक्स मैं यूज करता हूँ जिसके थ्रू मैं प्रोडक्ट फाइंड करता, तो वो हम उस पर वन बाय वन हम क्लास लेंगे। हम नंबर वन टेक्निक हीलियम 10 ब्लैक बॉक्स के थ्रू हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। दूसरा अमेजोन बेस्ट सेलर, ये एक टेक्निक है, इसके थ्रू हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। अमेजोन हार्ट न्यू रिलीज, इसके थ्रू हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। हीलियम 10 के एक सब टूल है सेरेब्रो, के थ्रू फॉर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। एंड देयर आर मच मोर मैनी अदर्स वे टू फाइंड प्रोडक्ट। हम फाइंड करेंगे हीलियम 10 थ्रू ब्लैक बॉक्स के थ्रू। ये आपका अगर आपके पास हीलियम 10 नहीं है, सही, आप इस तरह करिए, हीलियम 10 के दो एक्सटेंशन है, एक क्रोम एक्सटेंशन है, आप इंस्टॉल करेंगे। हीलियम 10 आप टाइप करें गूगल क्रोम एक्सटेंशन, आप एक्सटेंशन पर क्लिक करें तो आप एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगा। दूसरा हीलियम 10 का वेबसाइट है, ये दोनों आपको यूज करने होंगे। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया, आप इंस्टॉल कर देंगे, पिन कर देंगे, आपका एक्सटेंशन हो गया। और दूसरा हीलियम 10 का वेबसाइट, वेबसाइट के थ्रू आप प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। हीलियम 10 एक्सरे और जो एक्सटेंशन है वो आपके प्रोडक्ट का एक्सरे करवाता है, मीन वो आपके उस प्रोडक्ट का ए टू जी इंफॉर्मेशन देता है कि इस प्रोडक्ट का रेवेन्यू क्या है, सारा कुछ। अब सपोज ये लेट सपोज मैं टाइप करता हूँ कोई रैंडमली प्रोडक्ट चार्जिंग केबल, मैंने टाइप कर दी चार्जिंग केबल। हाँ अच्छा, सबसे पहले जब भी आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं ना, तो मेक श्योर यू हैव चेंज लोकेशन। अगर आप प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं यूएस मार्केट में, तो आप इधर से जिप कोड कॉपी करके यूएस की मार्केट तक लोकेशन चेंज कर देंगे। लेट सपोज ये आपके पास ही, मेरे पास ये मेरा अवेलेबल जो जिप कोड है, आप इसको कन्वर्ट करें, अप्लाई पर क्लिक करें, उसके बाद फिर कंटिन्यू, तो आपका जो लोकेशन है वो यूएसए मार्केट स्विच हो जाएगा। मेक श्योर जब भी आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, चाहे यूके मार्केट के लिए है यूएसए मार्केट के लिए, आप लोकेशन फर्स्ट चेंज किया कर, उसके बाद फिर ये मैंने चार्जिंग केबल लिख लिया। अब जो मैं आपको बताता हूँ कि एक्सटेंशन का फायदा क्या है, मैं इस पर एक्सटेंशन रन करता हूँ, मैंने एक्सटेंशन इस पर रन कर दी, ये गूगल क्रोम एक्सटेंशन। और एक्सटेंशन रन करने के बाद मैं आपको अब ये मुझे उस चार्जिंग केबल का मुख्तलिफ डेटा शो करेगा, तो ये एक्सटेंशन का ये प्लस पॉइंट है कि मतलब ये आपकी उस प्रोडक्ट का टॉप 10, जो हमारा मेन कंसर्न हमेशा होता है, उस प्रोडक्ट की टॉप 10 की क्या पोजीशन है, उसका रेवेन्यू क्या है, उसका रिव्यूज है, इन ईच एवरीथिंग क्या है। मैं एक्सरे अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च, मतलब आप उस प्रोडक्ट का आपको वो एक एक्सरे कर लेता है। अब ये इसने मुख्तलिफ वो शो कर दी मुझे, मैं इसको क्रॉस करता हूँ, दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक आप क्लिक करें, और आप इसलिए आपके पास जो फ्री होगा, फ्री वाला वर्जन है, आप इधर से, मैं इधर, मेरे पास दो अकाउंट है, तो मैं इधर से इसको स्विच करके दोबारा एक्सटेंड करता हूँ। और अब ये मुझे उस प्रोडक्ट की, अब इस चार्जिंग केबल की, अब मैं चाहता हूँ कि मैं चार्जिंग केबल अगर अमेजोन पर लॉन्च करना चाहता हूँ, तो क्या मैं लॉन्च कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, पोटेंशियल इसमें है कि नहीं है। फिल्टर्स, मैं उसके फिल्टर्स लगा के स्पॉन्सर जो प्रोडक्ट है उसको रिमूव कर दूंगा। अभी देखिए इसने मुझे मुख्तलिफ प्रोडक्ट शो कर दी, ये मुख्तलिफ अब टॉप 10 के प्रोडक्ट से, ये इनका एसेंस ने मुझे शो कर दिया, ये ब्रांड्स नेम हो गए, ये इनका सेल्स, इनका रेवेन्यू। अब ये थोड़ा सा ब्लर है, मे बी टूल में कोई मसला हो, लेकिन ये आपको पूरा का पूरा डेटा शो करेगा। स्क्रॉल डाउन आप किया करें तो ये आपको उस प्रोडक्ट का सारा कुछ शो करेगा। तो ये एक्सरे का फायदा है कि आपको उस एक स्पेसिफिक कीवर्ड के अगेंस्ट उसके टॉप 10 का सारा कुछ प्रोडक्ट शो कर लेता है। अब इसकी रिव्यू जो काउंट है, अगर हम चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है कि नहीं, हमने जो क्राइटेरिया डिस्कस किया था उसमें हम डिस्कस किया था कि एवरेज रिव्यू ऑफ टॉप 10 सेलर के पास 1500 होना चाहिए। अब इसके हम अगर एवरेज रिव्यू काउंट करें टॉप 10 के, तो ये 6,000, 8,000, 31,000, 25,000, 1,30,000, तो दिस मीन कि इसके रिव्यू बहुत ज्यादा हाई है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो हम इस प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकते। तो ये तो मैंने आपको बताया कि मतलब हीलियम 10 एक्सरे और एक्सटेंशन किस तरह वर्क करता है।
हम ऑब्वियसली वन बाय वन टेक्निक यूज करते हुए प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। अब ये हिलियम ट्रेंड का ब्लैक वो वेबसाइट है, इसको हम अपनी वीडियोस में कवर करेंगे कि ये इसमें कौन कौन से पार्ट में यूज करना है, उसकी प्लस पॉइंट क्या है, किस तरह प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट रिसर्च से। आपके पास ये देखिए, ये आपके पास वेबसाइट है, एक एक्सटेंशन था, दूसरा वेबसाइट है। ये आपके पास फर्स्ट पहले प्रोडक्ट रिसर्च, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, या आपके पास इसमें मुख्तलिफ सब टूल्स है, जो आप उसको हर सब टूल्स की अपने अपने फंक्शन से। अब मैं स्टार्ट करता हूँ हिलियम ट्रेंड के ब्लैक बॉक्स से। ब्लैक बॉक्स हो गया, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब ये ब्लैक बॉक्स बेसिकली ये एक आप कह सकते हैं कि मतलब ये आपका आपको एक हंड प्रोडक्ट फाइन कर लेता है। अपडेट्स मैंने ये प्रोडक्ट मैं सेलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले आप लोकेशन चेंज कर दे कि आप किस मार्केट में प्रोडक्ट फाइन करना चाहते हैं। amazon.co.uk, मैक्सिको, जापान, फ्रांस, इटली, इंडिया, वट एवर द मार्केट प्लेस, अवेलेबल मार्केट प्लेस है। अभी मैं इस केस में amazon.com में प्रोडक्ट फाइंड करना चाहता हूँ, तो आप इधर से लोकेशन चेंज कर दें। और उसके बाद फिर कैटेगरी, अब लेट सपोज अगर आप कोई स्पेसिफिक कैटेगरीज में आप प्रोडक्ट फाइंड करना चाहते हैं, या एक दो तीन वट एवर कैटेगरी, आई जस्ट वॉन्ट टू गो फॉर देर इज लेट सपोज कैटेगरी, मैं चाहता हूँ कि मैं किस कैटेगरी में, ये रेंडमली मैं कर रहा हूँ ना। आप हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ही ये है कि हम प्रोडक्ट फाइंड कर दें क्राइटेरिया के मुताबिक। तो आप इसमें से कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। माय फेवरेट कैटेगरी, आई जस्ट वांट टू गो टू हेल्थ इन हाउस, होम 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 मेड प्रोडक्ट में एक मैंने क्लिक कर दी, और दूसरा पेट सप्लाई, दो कैटेगरी मैंने सेलेक्ट कर दी। मंथली रेवेन्यू में ये देखिए, इस हीलियम 10 ब्लैक बॉक्स में हम बेसिकली करते क्या है कि हम इसको कहते हैं कि आप हमारे लिए ये किस्म की प्रोडक्ट फाइंड कर दी। तो दो कैटेगरी मैंने सेलेक्ट कर दी। मंथली रेवेन्यू, अगर आपको याद हो, हम तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि रेवेन्यू उस प्रोडक्ट का कम से कम जो रेवेन्यू जो कम से कम होने चाहिए ना उस प्रोडक्ट का, वो 15,000 कम से कम उस प्रोडक्ट की हो। रेवेन्यू 10 सेलर सेलिंग मोर देन 15,000, तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया काम, उसको बताती है कि आपने हमें वो प्रोडक्ट फाइंड करना है जिसका मिनिमम रेवेन्यू 15,000 हो। ये तो मिनिमम है, मैक्सिमम नो मैटर। प्राइस भी हमने डिस्कस किया था कि प्राइस क्या होना चाहिए। मैं इसको जरा जूम करता हूँ, ये रहा हमने जो प्राइस डिस्कस किया था कि उस प्रोडक्ट का प्राइस जो होना चाहिए 14 से लेकर 39 के दरमियान। आप इधर से 14 और 39, ये मैं 38 करता हूँ, सही। और उसके बाद फिर रिव्यू काउंट, अच्छा रिव्यू में हमने डिस्कस किया था कि मिनिमम हमारे पास होने चाहिए एवरेज, जो अगर आप निकाले ना, अगर हम एवरेज निकाले तो वो 1500। मैं रेंडमली क्लिक करता हूँ कि मिनिमम एक सेलर के पास 200 रिव्यू होने चाहिए, और रेटिंग 4.4 से लेकर 4.5, फोर मिनिमम तो 4 होना चाहिए रेटिंग। रेटिंग आपके पास मिनिमम उसका 4.2 होना चाहिए, तो मैंने मिनिमम 4 कर दिया, मैक्सिमम 4.5, 4.3, नो मैटर। ये आपके पास है एवरेज रिव्यू ऑफ टॉप 10 सेलर 1500 है। ये यूएस मार्केट के लिए हम कर रहे हैं। सर्च वॉल्यूम इसका 12,000 होना चाहिए, प्राइस उसका 14 से लेकर 40,000 का होना चाहिए, रेवेन्यू 10 सेलर वो 15,000 होना चाहिए, और अमेजोन ब्रांड डोमेन सर्विस क्राइटेरिया को हम वन बाय वन अप्लाई करेंगे और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। ये मैंने कर दिया, रिव्यू भी हो गई, और उसके बाद फिर मैं अप्लाई करता हूँ, सर्च करता हूँ कि मुझे अब इस क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट शो कर दिया। देखिए इसने मुझे मुख्तलिफ प्रोडक्ट शो कर दिए। ये एक प्रोडक्ट है, इसका मंथली जो सेल है 9,497, इसका जो प्राइस है 39,34, इसका जो BSR है, रिव्यू है, रेवेन्यू है, सही। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इस पर क्राइटेरिया अप्लाई करता हूँ, ये एक टेक्निक है, सही। और इसके बाद में दूसरे इसका 24, अच्छा 14 वाले, इसको मैं इस वाले प्रोडक्ट को मैं ओपन करता हूँ। ये मैं रेंडमली प्रोडक्ट ओपन कर रहा हूँ, वन बाय वन भी चेक कर सकते हैं और कोई भी चेक कर सकते हैं। इसका 14 है, इसका 19 है, इसका 27 है। मैं इसको भी क्लिक करता हूँ कि इसका क्या पोजीशन है, ये प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है कि नहीं, हम लॉन्च कर सकते कि नहीं कर सकते। और एक और क्लिक करते, फिर उसके बाद वन बाय वन इसको सर्च करते। ये देखिए हेलियम 10 ब्लैक बॉक्स ने आपको आपके क्राइटेरिया के मुताबिक ये 100 ऑफ प्रोडक्ट शो कर दिए। देखिए कितने हाई अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स है।
वन पेज टू पर जाए, पेज थ्री पर जाए, तो आपको इधर से आसानी से प्रोडक्ट मिल जाते हैं बहुत इजी तरीके से। बस आपने सिर्फ सिर्फ प्रैक्टिस करना है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी स्किल्स इंप्रूव होंगी, तो फिर आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन में इतना मसला नहीं होगा। अब ये एक प्रोडक्ट है और इसका जो प्राइस है वो 14 है, और दूसरा ये प्रोडक्ट है इसका, हाँ इसका भी प्राइस 14 है, और तीसरा ये प्रोडक्ट है। ये फोर प्रोडक्ट मैंने रैंडमली ओपन कर दी। अब मैं इसकी मेन कीवर्ड को कॉपी करता हूँ और इसकी टॉप 10 पोजीशन चेक करता हूँ कि इसमें टॉप 10 मेरा पोजीशन, मेरा चांस है कि नहीं। अच्छा, इसका जो मेन कीवर्ड है, एक और प्रोडक्ट को हम क्लिक करते जो इस तरह हो, ये मैंने ओपन कर दिया। मैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट ओपन करता हूँ, फिर उसमें क्राइटेरिया अप्लाई करता हूँ। और एक ये प्रोडक्ट हो गया। इसको मैं अब इसमें मैं चाहता हूँ कि ये क्या मैं प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। अब ये इसका मेन कीवर्ड है। आप मेरे से आपको हमेशा जो आपका प्रोडक्ट का कीवर्ड है ना, कीवर्ड से मुराद कि उस प्रोडक्ट का नेम क्या है, लोग उस प्रोडक्ट को किस तरह सर्च करते हैं, तो ये उसका प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड है, एयर डॉग। मैं इसको कॉपी करता हूँ। अब मैं चेक करता हूँ कि इसमें क्या पोजिशन है, इस प्रोडक्ट को हम लॉन्च कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब लॉन्च करने के लिए, प्रोडक्ट सिलेक्शन के लिए आपको उस प्रोडक्ट को रिसर्च करना पड़ता है। हम उस क्राइटेरिया उस पर वन बाय वन अप्लाई करेंगे। मैंने ये मेन कीवर्ड टाइप कर दी, लोकेशन आपने चेंज की होगी। अब मैं इस पर एक्सरे रन करता हूँ, मैं इस पर एक्सरे रन करता हूँ Helium 10 का, और मैं चाहता हूँ कि मुझे इस कीवर्ड की टॉप 10 की वो नंबर्स मिले, फिगर्स मिले कि इसमें टॉप 10 में क्या पोजीशन है, रेवेन्यू के हिसाब से, सेल्स के हिसाब से, सारा कुछ के हिसाब से, ताकि फिर मैं उसको चेक कर सकूं अपने क्राइटेरिया के मुताबिक। अगर वो क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो दिस मीन इस प्रोडक्ट में पोटेंशियल है, हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते। मैंने उस प्रोडक्ट के मेन कीवर्ड को कॉपी कर दिया, एक्सेल रन करूंगा। अब Helium 10 मुझे उस प्रोडक्ट का टॉप 10 पोजीशन शो करेगा। अब हमने क्राइटेरिया अप्लाई करना है वन बाय वन। आप इधर से फिल्टर लगाएंगे, स्पॉन्सर प्रोडक्ट को रिमूव करेंगे, ये आपका वेरी फर्स्ट स्टेप होगा। हमने फिर डिस्कस किया था क्राइटेरिया में कि हमने करना क्या है, ये हमारा कि सॉर्ट बाय रेवेन्यू, जो रेवेन्यू है सेक्शन है, हाई टू लो करना है। ये आपका रेवेन्यू है, ये आपका रेवेन्यू वाला सेक्शन से हमने इसको हाई टू लो करना है कि हाँ आप हमें टॉप 10 के प्रोडक्ट शो कर दे, जो हाई टू लो है, जिसका रेवेन्यू सबसे हाई है वो कर दे शो। अभी देखिए ये सारे रेंडमली, किसी के 500, किसी के 1000, किसी के 2000। मैं इस पर दोबारा क्लिक करता हूँ, दोबारा क्लिक करने के बाद फिर इसने मुझे हाई टू लो कर दिया। इसका 600, फिर 5 लेख, 4 लेख, 1098, 92, तो ये जितने भी ये प्रोडक्ट है ये अभी रेवेन्यू के हवाले से टॉप 10 वो शो कर रहे हैं। अब इसके बाद फिर जो दूसरा हमारा स्टेप था, रिमूव इरिलेवेंट प्रोडक्ट और अवॉइड डुप्लीकेशन, कि अगर इसमें कोई इस तरह प्रोडक्ट हो जो इरिलेवेंट हो, केल सपोज हमने एक प्रोडक्ट टाइप कर दी चार्जिंग केबल, वो हमें वो शो कर रहा है कोई मोबाइल फोन या एक्सेसरीज, तो हम उसको रिमूव करेंगे। अब इसमें से जितने भी प्रोडक्ट है ये भी रिलेवेंट है, रिलेवेंट 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 रिलेवेंट, ये जितने भी प्रोडक्ट है इसमें रिलेवेंसी है, सो दिस मीन इसमें कोई इस तरह इरेलेवेंट प्रोडक्ट नहीं है। और दूसरा चेक करेंगे कोई इसमें कोई डुप्लीकेट तो नहीं है, जो दो बार एक दो, इसमें कोई डुप्लीकेट भी नहीं है। अब इस प्रोडक्ट की हम प्राइस चेक करेंगे, जो हमारा प्राइस था, कि आपने इस प्राइस के रेंज के मुताबिक प्रोडक्ट फाइंड करना है, 14 से लेकर 40 के दरमियान। अब इसका 19 है, ओके रेंज के मुताबिक है, 14, 25, 4, 12, 22, 19, 12, 15, 15। दिस मीन कि ये प्रोडक्ट प्राइस के हवाले से हमारे क्राइटेरिया को फॉलो करता है। ये हमारा प्राइस था 14 से लेके दरमियान। अब हम इस पर बाकी वो टेक्निक और फैक्टर्स अप्लाई करते हैं। प्राइस का भी हो गया, दूसरा इसमें जो हमारा था कि 10 नंबर सेलर जो है, जो हमारे पास जो 10वां नंबर सेलर है, वो कम से कम रेवेन्यू 15,000 तक वो जनरेट कर रहा हो। अब इसमें काउंट करते कि जो 10 नंबर सेलर है उसका रेवेन्यू क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये रहा हमारा 10 नंबर सेलर। 10 नंबर सेलर हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक 15,000 तक उसका मिनिमम हो, लेकिन इस केस में 51,000 है, विच इज मीन दिस प्रोडक्ट
वेरी मच गुड रेवेन्यू के हवाले से। अच्छा ये भी हो गया, रेवेन्यू भी हो गया, प्राइस भी हो गया, और उसके बाद फिर एवरेज रिव्यू ऑफ टॉप 10 सेलर हम एवरेज रिव्यू निकालते, और दूसरा सर इस प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम जरा चेक करते कि इसका सर्च वॉल्यूम कितना है। इसका जो सर्च वॉल्यूम है ये अभी शो नहीं कर रहा, मैं इसको चेक करूंगा हीलियम 10 की वेबसाइट के थ्रू। अच्छा ये रिव्यू वाले हिसाब देखते कि रिव्यू वाला क्या पोर्शन है इसमें, ये आपका रिव्यू काउंट के मतलब इस सेलर के पास कितने कितने रिव्यूज हैं, इस सेलर के पास कितने रिव्यूज है, इस सेलर के पास कितने रिव्यूज है, इसके पास कितने। हमारा जो रिव्यू वाला फैक्टर्स था कि आपने जो टॉप 10 के सेलर्स हैं उनको आपने प्लस करना है, और फिर उसके बाद डिवाइड बाय 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक 10 सेलर्स है आपके पास। हम इसके रिव्यू को वन बाय वन काउंट करेंगे फिर डिवाइड बाय 10 करेंगे। इसके पास है 1 लैख, फिर इसके बाद 80 32 लैक्स हो गए, फिर उसके बाद ये तकरीबन कोई 3 लैक्स बनते हैं हमारे पास। अगर हम 3 लैक्स को डिवाइड करें, 3 लैक्स रिव्यू को हम डिवाइड करें, ये 3 लैक्स आपके टॉप 10 के सेलर्स के रिव्यू है डिवाइड बाय 10। हम देखते हैं कि क्या इसके अगेंस्ट हमें 1500 एवरेज रिव्यू निकलते हैं कि नहीं निकलते। तो ये तो हमारे पास बहुत ज्यादा रिव्यू है, ये तो 30,000 है, 30,000 एवरेज रिव्यू इसके निकलते हैं, और हमें तो चाहिए 1500। सो दिस मीन कि ये प्रोडक्ट इधर आकर फेल हो गया, हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं कर सकते, ना इसमें कोई पोटेंशियल नहीं। क्यों कि इसका जो सिर्फ सही है, प्राइस भी ओके हो गया, इसका रेवेन्यू भी सही है, और लेट सपोज इसमें कोई ब्रांड डोमिनेंसी भी नहीं है ना। हमारा जो दूसरा पॉइंट इसमें पॉइंट था कि कोई ब्रांड डोमिनेंसी ना हो 3 टाइम्स और अमेजोन भी ना हो। दिस मीन कि ये जो ब्रांड्स है टॉप 10 के ब्रांड्स है, इसमें कोई इस तरह ब्रांड जो 2 टाइम या 3 टाइम मुसलसल आ रहा हो, सपोज ये एक ब्रांड है बेस्ट पेट सप्लायर, बेस्ट सप्लायर। अच्छा ये इसमें ब्रांड डोमिनेंसी भी है, मतलब एक ब्रांड डोमिनेंट है टॉप 10 में, इधर भी डोमिनेंट है, इधर भी डोमिनेंट है, इधर भी डोमिनेंट, तो इधर भी है हमारा ये प्रोडक्ट फेल हो गया। तो प्राइस के हवाले से, रेवेन्यू के हवाले से ये प्रोडक्ट ओके है, लेकिन इसमें एक ये फॉल्ट है, एक ये नुकसान है कि इसमें ब्रांड डोमिनेंसी है, और दूसरा इसके जो रिव्यूज हैं वे बहुत ज्यादा हाई है, हाई कंपिटिटिव प्रोडक्ट है ये दो। और उसके बाद फिर हम इसके चेक करते हैं कि अमेजोन है कि नहीं है, अमेजोन 1 टाइम सेल कर रहा है, अमेजोन 2 टाइम सेल कर रहा है, 3 टाइम, ओ माई गॉड, इसमें अमेजोन भी 4 टाइम्स है। हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक था कि अमेजोन सिर्फ और सिर्फ आपके पास 3 टाइम होना चाहिए, ब्रांड भी 3 टाइम होना चाहिए। तो दिस मीन कि इसमें अमेजोन भी है, ब्रांड डोमिनेंसी भी है, और इसके अलावा रिव्यू भी बहुत ज्यादा हाई है। अच्छा इसके अलावा हम चेक करते हैं कि इसकी लिस्टिंग लाइफ क्या है, ये लॉन्च हो चुका है 2016 में, 20 में, 19 में, 18। दिस मीन कि इसकी मोर देन 6 मंथ लिस्टिंग लाइफ है, कि मतलब कोई इसमें इस तरह कोई प्रोडक्ट नहीं है जो लास्ट 5 6 मंथ में लॉन्च हो चुका हो। तो दिस मीन किसी के 2 साल हो गए, किसी के 3 साल, किसी के 7 साल, किसी के 8 साल, किसी के 1 साल, तो लिस्टिंग लाइफ के हवाले से ओके है। अच्छा हम इसके रिव्यू चेक करते हैं कि इसका रिव्यू क्या हिसाब है, रेटिंग रेटिंग इसमें क्या है, कितना है। इसकी जो रेटिंग है 4.5, 4.6, 4.6, 4.4। अच्छा इसकी रेटिंग सही है, मतलब एवरेज अगर आप इसकी निकालें तो ऑब्वियसली 4.5 बनते हैं। लेकिन इसके अलावा जो बाकी जो फैक्टर्स हैं, ये वाला हो गया कि मतलब एवरेज रिव्यू वाला ये फेल करता है, एवरेज रिव्यू जो इस प्रोडक्ट की है वो आपके पास मतलब 1500 तक है तो वो सही नहीं है। दूसरा सर्च एवरेज प्राइस, प्राइस तो ओके है, रेवेन्यू भी सही है, अमेजोन भी इसमें है, तो इधर भी ये प्रोडक्ट फेल हो गया। और इसके अलावा इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, और इसके बाद फिर ब्रांड डोमिनेंसी भी है, और लिस्टिंग लाइफ ओके है, रेटिंग ओके है, तो दिस मीन कि ये प्रोडक्ट फेल हो गया ऑन द बेसिस ऑफ 2 फैक्टर्स। एक आपके इसमें रिव्यू बहुत ज्यादा हाई है, और दूसरा इस प्रोडक्ट में जो इसका अमेजोन भी डोमिनेंट है और इसमें ब्रांड भी डोमिनेंट थे। तो ये आपके आप एक प्रोडक्ट किस तरह फाइन करते हैं, अब देखिए जो जो मैंने हाईलाइट किया आप लोगों के लिए, जो जो फैक्टर्स मैंने हाईलाइट किए, ये इधर ये प्रोडक्ट इस फैक्टर्स पर फुलफिल नहीं करता, रिव्यू भी बहुत ज्यादा हाई है, और इसका अमेजोन भी है, ब्रांड भी है। इसके बाद फिर अच्छा इस नॉट वेट मोर देन 2 kg, हम इसके चेक करते कि इसका वेट कितना है,
इसका जो वेट है आपके पास जीरो आई मीन 2 kg से नीचे है, चलो ये फुलफिल कर रहा है। इसके अलावा प्रोडक्ट रेटिंग रेटिंग भी 4.2 से अबव है, लिस्टिंग लाइफ भी ओके है। अच्छा, इसके बाद हम एक दूसरा चेक करते हैं कि इसका गूगल ट्रेंड किस तरह है। मैं गूगल ट्रेंड भी इसके प्रोडक्ट की चेक कर ले। गूगल ट्रेंड इस प्रोडक्ट की हम गूगल ट्रेंड चेक करते हैं कि इसको गूगल ट्रेंड किस तरह। आप गूगल ट्रेंड कॉपी सर्च करें अमेजोन गूगल पर, उसके बाद फिर आप कीवर्ड टाइप करें जिसके आप ट्रेंड चेक करना चाहते हैं। मैंने इसकी वो कीवर्ड टाइप कर दिया। आप इधर से आप लोकेशन चेंज करें, इधर पाकिस्तान में तो आपने इधर करना है यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट्स में करें, यूएस में करें। और इसके बाद फिर हम इसका गूगल ट्रेंड चेक करते हैं कि ओ माय, इसका गूगल ट्रेंड भी डिसअपॉइंटिंग है। हमारा जो क्राइटेरिया था वो उसके मुताबिक जो 5 ईयर्स का गूगल ट्रेंड है उसकी फ्रीक्वेंसी 25 से अबव होना चाहिए। ऑल टाइम उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 25 से अबव होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। और इस केस में तो ऑलमोस्ट हर जगह 25 के नीचे है। देखिए 25 के नीचे जीरो हिट कर दिया, फिर उसके बाद ऊपर, फिर उसके बाद नीचे। तो दिस मीन कि एक इस गूगल ट्रेंड सही नहीं है। रेवेन्यू तो सही है, रिव्यू तो सही नहीं है, रेटिंग तो सही है, लिस्टिंग लाइफ तो ओके है, लेकिन इसका गूगल ट्रेंड सही नहीं है। ये देखिए ये साइन ऑफ सीजनलिटी शो कर रहा है कि ये कुछ दो तीन मंथ्स के लिए ये पीक पे चला गया, फिर उसके बाद डाउन, फिर उसके बाद पे पीक पर, फिर उसके बाद डाउन। दिस मीन कि ये प्रोडक्ट सीजनल प्रोडक्ट है। जो हमारा ये वाला था कि कोई साइन ऑफ सीजनलिटी उस प्रोडक्ट में ना हो, ये एक प्रोडक्ट फाइन वो हो गया। इसमें ये भी एक नुकसान है, ये भी एक फॉल्ट है कि इस प्रोडक्ट में ये डिफॉल्ट है जिसको हम प्रोडक्ट को रेगुलेट करेंगे और इसको रिजेक्ट करेंगे। अच्छा, हमने प्रोडक्ट ओपन किया था। अब देखिए ये, अब जब आप प्रोडक्ट हंटिंग करें ना, अब ये तो मैंने आपको एक रेंडमली प्रोडक्ट पिक कर दिया और उस पर एक क्राइटेरिया अप्लाई कर दिया। आप इस तरह मतलब प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे, आप जो जो क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं आपने उसको रेट करना है, जो फॉलो नहीं करता आपने छोड़ना है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये क्राइटेरिया आपके जहन नशीन होता जाएगा और आपको फिर कोई मसला नहीं होगा इसको याद करने में। स्टार्ट में आपको डिफिकल्टीज होगी इस क्राइटेरिया को जरा याद रखना, लेकिन अगर आपने इस क्राइटेरिया को 2-3 बार प्रैक्टिस कर दिया जिस तरह मैंने प्रैक्टिस कर दिया। अब मैंने एक प्रोडक्ट पिक कर दिया, उस पर मैंने क्राइटेरिया अप्लाई कर दिया, उसमें से उस वो क्राइटेरिया लेट सपोज 1, 2, 3, 4, 5 मीन वो प्रोडक्ट 60% फुलफिल नहीं कर रहा है और ओनली 20% 40% फुलफिल कर रहा है। तो हमारा जो क्राइटेरिया है उसके मुताबिक प्रोडक्ट फाइन करना ही असल चैलेंजिंग टास्क है। तो अब इस तरह प्रोडक्ट फाइन करेंगे जो सारे के सारे फैक्टर्स को फुलफिल करेंगे, तब आपकी एक्सपर्टिस आपकी इंप्रूव होगी। ये तो मैंने एक रेंडमली प्रोडक्ट पिक किया था, आप इस तरह रेंडम रेंडमली प्रोडक्ट पिक करेंगे। अब ये इस प्रोडक्ट जो आप इसको एनालाइज करें, ये भी वो प्रोडक्ट है, आप इस पर गूगल ट्रेंड कर दे, ये भी वो प्रोडक्ट है। आप इस तरह वन बाय वन प्रोडक्ट, अच्छा मैं इसको इसको करता हूँ, चलो इसको ये जरा इसका मल्टी यूजर यूज वाटर पम्प इसका मेन कीवर्ड है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि इसका इसमें ये हमारा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब इसके बाद फिर मैं इस पर हीलियम ट्रेन रन करूंगा। हीलियम ट्रेन रन करने के बाद फिर मुझे मैं वही क्राइटेरिया दोबारा इस पर अप्लाई करूंगा। हमारा तो जो पहला प्रोडक्ट था वो तो फेल हो गया ना, तो वो तो मतलब हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं है, तो हम उस प्रोडक्ट में कोई पोटेंशियल नहीं है, तो हम उस प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं कर सकते, सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो वो प्रोडक्ट उधर फेल हो गया। अब उसके बाद हम इस प्रोडक्ट की वो एनालिसिस करेंगे, इस पर वो क्राइटेरिया वन बाय वन फैक्टर्स अप्लाई करेंगे कि इसमें रेवेन्यू क्या है, रिव्यू किस तरह है, लिस्टिंग लाइफ किस तरह है, रेटिंग किस तरह है, ब्रांड डोमिनेंसी है कि नहीं है, फिल्टर लगा दे, अप्लाई फिल्टर। और इसके बाद फिर
आप इसको वन बाय वन चेक करें कि इसका जो प्राइस है 2019-19, अच्छा प्राइस भी ओके है। इसका जो रेवेन्यू आप डबल क्लिक करें, हाइट लो करें, रेवेन्यू 10 नंबर सेलर का जो रेवेन्यू है वो 15,000 तक होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा इसमें जो 10 नंबर सेलर का जो रेवेन्यू है वो 14,000 है। चलो इट्स ओके, 15,000 या 14,000 इतना कोई मसला नहीं है। ये भी रेवेन्यू के हवाले से भी प्रोडक्ट सही है, प्राइस के हवाले से भी सही है। हम ब्रांड डोमिनेंस चेक करते हैं कि ब्रांड डोमिनेंस तो नहीं है, ब्रांड कोई इससे डोमिनेंट तो नहीं। ये अच्छा इसमें ब्रांड डोमिनेंसी भी है, ये ब्रांड्स 3 टाइम्स इसमें, तो ये मतलब ये ब्रांड डोमिनेंसी इस प्रोडक्ट में। इधर ये प्रोडक्ट फेल हो गया। इसके बाद फिर हम अमेजोन तो है कि नहीं, अच्छा इसमें अमेजोन भी नहीं है। और उसके बाद फिर हम इसकी रिव्यू काउंट करते हैं कि रिव्यू इसका क्या सीन है। 15,000, 5, 20, 23, 26 इस तरह आपकी बनते हैं, कोई 40,000 इसके रिव्यू बनते हैं। चलो 40,000 को हम डिवाइड करते हैं 10 से, तो क्या वो 40,000 को डिवाइड बाय 10 से हम करते हैं, डिवाइड बाय 10, तो क्या वो हमारे पास 1,500 बनते कि नहीं बनते? नहीं, 4,000 है, विच इज स्टिल हाई नंबर, हाई फिगर्स। तो इस केस में हमारे जो रिव्यू था वो फोर टॉप रैंक के जो सेलर्स हैं, ये टॉप रैंक के सेलर्स हैं, इसके रिव्यू को सबसे पहले आपने प्लस करना है, और प्लस करने के बाद फिर आपने इसको डिवाइड बाय 10 करना है। अगर डिवाइड बाय 10 करने से 1,500 आता है तो ओके, अगर नहीं आता तो फिर आप ज्यादा है तो आप उस प्रोडक्ट को स्किप करेंगे, हम इधर से इस प्रोडक्ट को स्किप करेंगे। अगर आपने इसके रिव्यू को काउंट कर दिया 10 से और ये 500 आ गए तो फिर तो बहुत जबरदस्त है, 400 आ गए फिर भी बहुत जबरदस्त है, 800, 1,000 ओके, 1,200 ओके, 1,500 तक ओके। 1,500 आपके मैक्सिमम केस में है, और उसके बाद फिर मिनिमम जो जितना कम हो 1,500 से नीचे उतना आपकी उसमें प्रोडक्ट में ज्यादा पोटेंशियल होगी और सारा कुछ। तो इस तरह आप ये इस क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे, अप्लाई करेंगे, और इस क्राइटेरिया के मुताबिक आप प्रोडक्ट फाइन करेंगे। ये जो क्राइटेरिया था ये यूके मार्केट के था, सेम इट इज आप यूएस मार्केट के लिए भी अप्लाई करेंगे। ये आपका हंटिंग क्राइटेरिया फॉर यूके मार्केट के लिए है, तो आप इसको भी अप्लाई करेंगे। इसमें कुछ डिफरेंस है कि इसमें आपके पास 1,000, 1,000 आपके पास वो एवरेज रिव्यूज हैं, और प्राइस 14 पाउंड तक है, और 10 नंबर सेलर के पास आपके पास रेवेन्यू $10,000 तक होना चाहिए, बाकी वही के वही सेम पॉइंट से। तो इंशाल्लाह ये एक टेक्निक हो गया प्रोडक्ट हंटिंग का ब्लैक बॉक्स के थ्रू। उसके बाद फिर हम फाइंड करेंगे हीलियम 10 अमेजोन बेस्ट सेलर के थ्रू, और अमेजोन हार्ट न्यू रिलीज के थ्रू, और अमेजोन हीलियम 10 सेलेब्रो के थ्रू, और इसके अलावा और भी ज़्यादा टेक्निक्स हैं, लेकिन हम इसको जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और ज़्यादा इफेक्टोज है हम इसको कवर करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको किस कोई भी किस्म का क्वेश्चन हो रिगार्डिंग दिस प्रोडक्ट हंटिंग वीडियो तो आप कमेंट में पूछ ले, आंसर यू। थैंक यू, सी यू इंशाल्लाह द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह।